फाइनेंस बिजनेस में पैसा बस होना चाहिए और मैं पैसा लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो? तो आज बताने वाला हूं फाइनेंस बिजनेस में मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्ट्रक्चर कुछ भी हो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मार्केटिंग में जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप छोटे फाइनेंस बिजनेस वाले हो या फिर आरबीआई वाले फाइनेंस बिजनेस हो या फिर बैंक की बात नहीं करने वाला हूं, एनबीएफसी की बात कर रहा हूं, तो मैं एनबीएफसी और जितने दूसरे लाइसेंसेस हैं बैंक के अलावा, वहां पर उनको दिक्कत यह आती है कि लोग उसको बैंक से कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो स्मॉल फाइनेंस वाला है तो उसको एनबीएफसी से कंपेयर करते हैं, वो कंपेरिजन में उसका मार्केटिंग बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों को आज वो पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप जीतने वाले हो। सबसे पहली बात यह कि आप अपने आप को प्राउड समझ के प्रेजेंट करिए, चाहे आप मैनेजर हो चाहे आप मार्केटिंग वाले हो। जो भी व्यक्ति काम करता है फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई मार्केटिंग का पर्सन है, याद रखना। आपके ड्रेसअप से लेके आपका कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी में, अपने काम में और आपके खुद के ऊपर और आपकी स्माइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग सबसे पहले आपके चेहरे आपके एटीट्यूड से शुरू होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारी कंपनी कैसे चालू हुई है, यह सबको पता रहना चाहिए। कंपनी चालू करने के पीछे कंसेप्ट क्या था, सोच क्या था, विजन क्या था, किस मिशन पे आप काम करते हो और ये कंपनी बनाने के कारण कितने लोगों को फायदा हो सकता है, और उस फायदे की कड़ी में आप भी आते हो और जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है वो भी आता है। ये चीज आपको रियलाइज होना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए और उतने एंथुसियाज्म से बताइए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा हेल्प करने का हमारा मिशन और एटीट्यूड होता है। हमारा काम है आप लोगों की मदद करना, लेकिन इस जगह पर लोगों का क्वेरी आ जाता है। क्वेरी क्या आता है कि सर वो बोलता है कि आपका परसेंटेज इससे ज्यादा है कि आपका परसेंटेज उससे कम है, आपका प्रोसेसिंग चार्जेस ज्यादा है, आपके यहाँ पे कितने दिन में लोन हो जाता है। तो आप सारी चीजों को बताएंगे, ऑब्वियसली बताएंगे, बताना है आपको, उनको बताना है कि हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है हर कोई डेडिकेटेड है विद इन रूल्स आप लोगों का मदद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको ना बहुत सारे लोग ड्रॉबैक्स बताएंगे, अरे यार आपकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, आपकी कंपनी पे हम कैसे ट्रस्ट करें, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपको भी उस समय उस शब्द को पोलाइटली एक्सेप्ट करना, बोलिएगा आपकी बात सही है, आपको ये कहना है कि आपकी बातें बिल्कुल सही है सर, मैं कुछ अच्छी बातें हमारी कंपनी के बारे में आपसे शेयर कर सकता हूं, यस सर। हूं आप उनसे ये परमिशन लेकर जब बात करने लगेंगे, सामने वाला पूरी तैयारी से सुनेगा, क्योंकि उसकी बात आपने सुनी, उसने क्रिटिसाइज किया, आपने पोलाइटली एक्सेप्ट किया लेकिन आपने पूरा माना नहीं। आप उनको डिफेंड मत करिए, उनको उसी उन्हीं के बात पे रिवर्ट मत करिए, आप दूसरी अच्छी चीजें बताइए जो कि आपकी कंपनी के बारे में, जो लोन प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा इनोवेटिव हैं, आपकी कंपनी किस जगह पे हेल्प कर सकती है, किन लोगों के लिए आप ज्यादा हेल्पफुल हो, आप जो आज इनके पास में आए हो आप उनकी मदद करने के लिए आए हो, थोड़ी सी तैयारी से आप गए थे अगर, तो उस समय आपको बताने में और अपनी कंपनी को दूसरों से ऊपर रखने में सुविधा होगी। एक चीज और बताऊं, जब भी कोई बुराई करता है ना तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि यही सेम FAQ बन जाएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बन जाएगा, हर कोई यही बात करने वाला है। तो आपको ना शुरू में अगले मीटिंग में बताना पड़ेगा, सर कुछ लोगों को लगता है कि ABC प्रॉब्लम है, ABC पॉइंट हमारे में कम है, तो मैं उनकी बात को कभी मना नहीं करता, लेकिन हमारी जो अच्छी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप ऑब्जेक्शन स्टार्ट होने से पहले उस ऑब्जेक्शन को मान के अच्छी बातें बताने लगेगा तो हर कोई आपकी बात सुनना पसंद करेगा। यहां पर थोड़ा सा सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको यह समझ में आता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के लोग अच्छे हैं, कंपनी के टीम मेंबर अच्छे हैं, कंपनी के जितने टीम मेंबर है वो ट्रेंड है, हर कोई इंटरेस्टेड है, हेल्प करने का एटीट्यूड है और ये मेरी बात सुन रहा है। अब जब आपने अच्छी बातें बता ली उसके बाद कन्विंस होगा नहीं होगा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप बताइए सर आपसे मुलाकात करके मजा आ गया। और एक चीज है कि आपने जो फीडबैक दिया ये बहुत अच्छी बात है, इसमें से जो जो चीज करने योग्य होगी मैं सारी बातें अपने मैनेजमेंट को जरूर बताऊंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ा हेल्प किया। हम लोग ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग बहुत सारी चीजों को, हम लोग को मालूम है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें सीखनी बची है, और आप लोग तो पुराने कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोगों की सर्विसेज ले चुके हैं, आप लोग बहुत वैल्यूएबल है, आज की मीटिंग मेरे लिए जबरदस्त और वैल्यूएबल रही, राइट? एक जगह ऐसा है जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो क्या है? वो रूल है और हेल्प है। क्या है? रूल और हेल्प। हमेशा याद रखिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी तैयारी में
10% भी कमी आपको पूरा इंसल्ट कर सकती है, सामने वाले की नजरों में गिरा सकती है। तो आपको हर रूल्स पता रहना चाहिए। जिस काम के लिए आप जा रहे हो सिर्फ वो काम के रूल्स ही ना पता हो आपको, दूसरे आपके बैंक में दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा व्यक्ति कौन काम करता है, किससे कनेक्ट कराने की जरूरत है, ये भी आप जरूर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लोन के लिए गए और वो किसी और डिपार्टमेंट के लोन के लिए बात करने वाला है, तो उसी समय सामने वाले से बात करा के उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने का कोशिश करिएगा। इससे आपका जो हेल्पिंग नेचर है, जो आपने डायलॉग दिया कि मैं हेल्पिंग हूं, उस चीज को आप प्रूफ कर सकते हो। और भी ये प्रयास करिए कि सामने वाले का कोई और प्रॉब्लम है क्या जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी हेल्प कर सकते हो, तुरंत करो। और रूल्स रेगुलेशन 100% सामने वाले को सिखाने के हिसाब से, प्रेम से समझाने के हिसाब से आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जानकारी और आपका जो जोश है ये दोनों चीज मिला देंगे तो सामने वाले में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फाइनेंस बिजनेस का मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे ट्रेनिंग में हम लोग बहुत ज्यादा इसको कवर करते हैं। दोस्तों आपको अपना व्यापार इस तरीके से करना है कि जीतना ही जीतना है, और जीतोगे आप कब, जब सामने वाले की मदद करोगे। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।